नमस्कार, मैं हूं आपके साथ अंकिता पाल और आप देख रहे हैं पंजाब टाइम्स। रुक करते हैं खबरों की तरफ। पंजाब के राज्यपाल बनवारी लाल पुरोहित ने होने वाले विधानसभा सत्र से ठीक पहले एक बार फिर से सीएम पंजाब भगवान मान को पत्र लिखा है। राज्यपाल ने कहा कि वह पिछले सत्र के कारण प्रस्तावित तीन विधेयकों को रोक रहे हैं, जिसे उन्होंने स्पष्ट रूप से अवैध माना है। राज्यपाल ने भी सरकार से सत्र बुलाने और एजेंडा शेयर करने के लिए उनसे अनुमति नहीं लेने का भी अनुरोध किया है। आपको बता दें कि इस जो खबर है वो चंडीगढ़ से है, जहां पर राज्यपाल ने सीएम को पत्र लिखा है, भगवान मान को ये पत्र लिखा गया है और जिसमें कहा गया कि चिट्ठी में तीन बिलों को रोका जाए। इस चिट्ठी पर आप देख सकते हैं कि स्पष्ट रूप से अवैध माना जा रहा और इसमें कहा गया है कि तीन बिलों को रोक दिया जाए। राज्यपाल ने सीएम को पत्र लिखा है और मांग की है कि इन बिलों को रोक दिया जाए। कांग्रेस अध्यक्ष राजा वेडिंग ने राज्यपाल पर भी तंज कसा है। उन्होंने कहा कि गवर्नर हर सत्र को अवैध घोषित कर देते हैं लेकिन कोई भी कार्रवाई नहीं करते। मेरा उनसे अनुरोध है कि इस सब में पंजाब के लोगों का समय बर्बाद करने के बजाय स्थिति को स्पष्ट किया जाना चाहिए, जिससे कि वास्तविक मुद्दों पर ध्यान केंद्रित करके आगे की कार्यवाही को शुरू किया जा सके। डेफिनेटली असं विधानसभा का सैशन अटेंड करा, लेकिन मेरा एक सवाल पंजाब के गवर्नर साहब, तीजा विधानसभा का सैशन है जिन्होंने उन्होंने इलीगल किया। पहला लॉकर्स जिहड़ा बड़े ढंगे का उसे रखा गया, स्पेशल लॉकर्स। दूजा पिछली बारी जिहड़ा इन्होंने स्पेशल सैशन बनाया, तीजा हुण इलीगल कि जनाब इलीगली कहोगे कि कोई कार्रवाई की नहीं करोगे, जे इलीगल है हम सानू ये गुजार। चंडीगढ़ में पुलिस के हाथ एक बड़ी सफलता लगी। आपको बता दें कि एजीटीएफ पंजाब ने पुलिस के साथ मिलकर एक संयुक्त अभियान में बम्बिया गिरोह के चार प्रमुख गुर्गों को गिरफ्तार किया है। आपको बता दें कि आरोपियों से हथियार भी बरामद किए गए। गिरफ्तार अपराधियों को फरार विदेश स्थित गैंगस्टर गौरव कुमार उर्फ लकी पटियाल संभाल रहा था। आपको बता दें कि फिलहाल सभी आरोपियों से पूछताछ लगातार जारी है। पुलिस को एक बड़ी सफलता मिली है। आपको बता दें कि बम्बिया गिरोह के चार गुर्गों को गिरफ्तार किया गया है और आरोपियों से हथियार भी बरामद हुए हैं। आपको बता दें कि बम्बिया गिरोह के चार गुर्गे गिरफ्तार हो चुके हैं। आप तस्वीरों में देख सकते हैं ये चार गुर्गे वही हैं जो जिनसे आरोपियों से हथियार बरामद हुए हैं और साथ ही पुलिस को ये एक बड़ी कामयाबी मिली है। आप तस्वीरों में देख सकते हैं ये चार गुर्गे हैं जो बम्बिया गिरोह के हैं, इन्हें गिरफ्तार किया गया, इनसे भारी मात्रा में हथियार भी बरामद किया गया। आरोपियों से पूछताछ की जाएगी और साथ ही कई मामलों का खुलासा भी हो सकता है। पुलिस को एक बड़ी सफलता मिली है जिसमें पुलिस ने चार आरोपियों को गिरफ्तार किया है जो कि बम्बिया गिरोह के गुर्गे बताए जा रहे हैं। आरोपियों से हथियार भी बरामद किए गए हैं। बम्बिया गिरोह के चार गुर्गे गिरफ्तार हो चुके हैं, इनसे पूछताछ की जाएगी और कई और मामलों का खुलासा भी हो सकता है। आपको बता दें कि आरोपियों से भारी मात्रा में हथियार भी बरामद हुए हैं और ये बम्बिया गिरोह के गुर्गे भी बताए जा रहे हैं, जिसमें पुलिस को एक बड़ी सफलता मिली है। ये चंडीगढ़ से पकड़े गए हैं जहां पर आरोपियों से हथियार भी बरामद किया गया है। ये बम्बिया गिरोह के जो हैं वो सदस्य बताए जा रहे हैं और इनसे पूछताछ की जाएगी, कई मामलों का खुलासा भी हो सकता है और साथ ही जो भी अवैध हथियार बरामद किए गए हैं वो भी पूछे जाएंगे कि कहां से लिए गए हैं। पिछले कुछ दिनों से पंजाब में फोर्टिफाइड राइस को लेकर पंजाब भर के शेलर मालिक हड़ताल पर हैं और उसका सीधा असर मंडियों में देखने को मिल रहा। हड़ताल के कारण मंडियों से धान उठाया नहीं जा रहा
और मंडियों में धान के अंबार लगे हुए नजर आ रहे। साथ ही आपको बता दें कि मोंगा मंडी में धान की लिफ्टिंग ना होने के कारण आढ़ती और लेबर परेशान हो गए हैं। किसानों और लेबर का कहना है कि सबसे बड़ी समस्या इस समय सेलर मालिकों की हड़ताल के कारण है और लिफ्टिंग ना होने के कारण भी है। सरकार को चाहिए कि सेलर मालिकों की जो भी जायज मांगे हैं उनको पूरा किया जाए ताकि मंडियों में लिफ्टिंग हो सके और किसी को परेशानी ना आए। वहीं मार्केट कमेटी के सेक्रेटरी युद्धवीर कुमार ने भी बताया कि मंडियों में करीब 2.5 लाख बोरी के करीब सिर्फ मोंगा मंडी में ही पड़ी हुई है। लिफ्टिंग ना होने के कारण सेलर मालिकों की हड़ताल है और उसके कारण लिफ्टिंग की समस्या भी आ रही है। अब भारी मात्रा में पंजाब भर में सेलर मालिक जो हैं वो हड़ताल पर हैं, अपनी मांगों को लेकर रोष भी व्यक्त कर रहे हैं। लिफ्टिंग ना होने के कारण काफी परेशान हैं। आप देख सकते हैं कि धान का भी अंबार लगा हुआ है, अपनी मांगों को लेकर ये धरने पर बैठे हुए हैं और रोष भी व्यक्त कर रहे हैं। लिफ्टिंग ना होने के कारण आढ़ती भी काफी परेशान है क्योंकि जो उनके पास धान का अंबार लगा हुआ है, धान बिका नहीं है और अभी हाल ही में धान जो है वो बारिश होने के कारण भीग भी गया था। आपको बता दें कि अपनी मांगों को लेकर ये रोष भी व्यक्त कर रहे हैं। ये खबर मोगा से है। मोगा में लिफ्टिंग ना होने के कारण आढ़ती जो है वो काफी परेशान है क्योंकि उनके पास भारी मात्रा में धान है और साथ ही आपको बता दें कि पंजाब भर में शेयर मालिक जो है वो भी उनका भी रोष है। वो चाहते हैं कि उनकी जो भी धान की जो भी फसल है वो जल्द से जल्द मार्केट में आए और उचित दाम में बिके। साथ ही लिफ्टिंग ना होने से पंजाब भर में शेयर मालिकों की हड़ताल भी लगातार जारी है और विरोध प्रदर्शन भी वो जता रहे हैं अपनी मांगों को लेकर। मंडियों में जी समस्या हम बहुत आ रही है क्योंकि जी पहला तो बारिश हुई थी उसके कारण झोने की वढ़ाई नहीं रुकी हुई थी तो बाकी आगे मंडियों के देखा कि लिफ्टिंग नहीं हुई, बोरियां पड़ी उसके कारण सानू झोने की लाने की बहुत अखियाई आ रही है जी। इसलिए सरकार ने अभी सेलर मालकों अपील करते हैं कि लिफ्टिंग करो, आखिर जो समझौता बनता तो 3,000 जरा झोना वढ़ के फसल आदि लैके आवे जो सही तरीके का तौर तरीके। देखो जी आमद जी ढाई गल बिल्कुल ठीक है कि मौसम हम साफ हो रहा है, आमद और ज्यादा तेज होने वाली है। रही गल लिफ्टिंग की तो मिलर एसोसिएशन की थोड़ी जी हड़ताल करके प्रॉब्लम आ रही है। सरकार की उन्होंने भी गलबात चलती पी है तो उम्मीद है कि बहुत जल्दी जो समस्या का हल हो जाएगा और जो लिफ्टिंग हैगी नॉर्मल वे के शुरू हो जाएगी। तो हुए शुरू नहीं हुई जी, जिन्ना माल शुरू पहले दिन भरया वो सारा ही मंडिया में पड़ा। कारण सैलर वाले की हड़ताल है जी, वो करके उन्होंने कोई आपसी उन्होंने रौला है एफसी जिसे करके हड़ताल से है, उन्होंने भी असं माल नहीं है। समस्या यह है जी सैलर वाले की हड़ताल चल रही है जी, उन्होंने कोई सरकार के कोले मंग रखी है वो नहीं पूरी हो रही जी। तो साड़िया जो बाहरों प्रदेश से लेबर भी मंगा के बैठिया हुई उन्होंने रोज दी रोज खर्चा पै रहा वो इतने उन्नी जगह है नहीं कि जी रोज रोज अस ट्राली भरते हैं, दो ट्रालियां भरते हैं वो भी सानू भांक मारनी पै रही। कारण यह जी सैलर वाले की हड़ताल है, उन्होंने कोई मंग है एफ आर के लैके जिहड़ा पिछे सरकार ने एफ आर के चावल मिक्स करके देंगे वो सैंपल फेल हो है उस करके सैलर वाले हड़ताल पे है जिस करके माल नहीं चके जाएगा। आम आदमी पार्टी के सीनियर नेता और महिला पार्षद के पति हरजिंदर सिंह रोड़े को मार्केट कमेटी मोंगा का चेयरमैन नियुक्त करने के लिए 1 जून को ऑर्डर जारी किए गए थे लेकिन चेयरमैन का पदभार संभालने के लिए 5 महीने बाद सरकार द्वारा नोटिफिकेशन जारी किया गया। आपको बता दें कि मार्केट कमेटी का चेयरमैन के पदभार संभालने के लिए जारी हुए नोटिफिकेशन पर हरजिंदर सिंह रोड़े को विधायक डॉ अमनदीप कौर अरोड़ा जो है वो ब्लॉक अध्यक्ष राकेश मिड्डा और साथ ही अंग्रेज सिंह सामरा सहित पार्टी कार्यकर्ताओं ने बधाई दी। इस दौरान हरजिंदर सिंह रोड़े ने कहा कि पार्टी द्वारा उन्हें जो भी जिम्मेदारी दी गई है उस जिम्मेदारी को वो निभाते हुए मार्केट कमेटी के तहत आने वाले जो कार्य हैं उनकी पहल कर आधार पर भी करेंगे और उन्होंने ये भी कहा कि मंडी में इस समय धान का सीजन चल रहा है और ऐसे में वे पदभार संभालते ही आढ़तियों को आने वाली परेशानियों का भी समाधान करेंगे। आपको बता दें कि पार्टी नेताओं का आभार व्यक्त किया है और 5 महीने बाद ये नोटिफिकेशन जारी हुआ। जब उन्होंने पदभार संभाला तो वहां पर उनको बधाई देने का तांता लग गया।
सूत्रों के हवाले से खबर आई है कि मोंगा के खोसा कोटला में आपसी विवाद में दो पक्षों के बीच में विवाद में गोलियां चल गई हैं। आपको बता दें कि फायरिंग में सरपंच वीर सिंह और साथी रणजीत सिंह को गोली लगने से मौके पर ही उनकी मौत हो गई। वहीं दूसरे पक्ष की अगर बात की जाए तो हालत गंभीर बताई जा रही, दूसरे का इलाज भी चल रहा, पुलिस पूरे मामले की जांच कर रही है। आपको बता दें कि आपसी विवाद को लेकर दो पक्षों में गोलियां चल गई और एक पक्ष की दो की मौत हो गई है, दो लोग गंभीर रूप से घायल हैं, पुलिस पूरे मामले की जांच कर रही है। आपको बता दें कि आपसी विवाद में दो पक्षों में लड़ाई हो गई, लड़ाई के बाद में गोलियां चल गई जिसमें दो की मौके पर ही मौत हो गई जबकि दो लोग घायल बताए जा रहे हैं, पुलिस पूरे मामले की जांच कर रही है। ये पूरी खबर मोंगा से है जहां पर आपसी विवाद में गोली चल गई और गोली चलने से एक पक्ष ने दूसरे पक्ष को गोली मार दी जिसमें से दो लोगों की मौके पर ही मौत हो गई, तो वहीं दो लोग गंभीर रूप से घायल है जिनका अस्पताल में इलाज चल रहा है। पुलिस इस पूरे मामले की छानबीन भी कर रही है, आखिर विवाद क्या था अभी तक इसका कुछ भी जानकारी सामने नहीं आई है। दो पक्षों में आपसी विवाद को लेकर गोलियां चली हैं और पुलिस पूरे मामले की जांच कर रही है। आपको बता दें कि मोंगा में आपसी विवाद को लेकर दो पक्षों में लड़ाई झगड़ा हुआ और काफी टाइम से दोनों के बीच में तनाव चल रहा था जिसके चलते दोनों पक्ष आपस में भिड़ गए और एक पक्ष ने दूसरे पक्ष पर गोली चला दी जिसके बाद में दो लोगों की मौके पर ही मौत हो गई है और दो लोग गंभीर रूप से घायल हैं जिनका इलाज निजी अस्पताल में चल रहा है। पुलिस इस पूरे मामले की जांच कर रही है कि आखिर विवाद जो था वो तो आपसी था लेकिन आखिर था क्या विवाद कि गोली चलाने की नौबत आ गई। आपको बता दें कि दो की मौके पर ही मौत हो गई है, दो गंभीर रूप से घायल हैं और उनका बयान भी लिया जा रहा है। आपको बता दें कि पुलिस पूरे मामले की बयानों के आधार पर जांच करेगी और जांच के बाद ही सामने आएगा कि आखिर क्या पूरा मसला था। आपसी विवाद में गोली चली है, दो की मौके पर ही मौत हो गई है और दो गंभीर रूप से घायल हैं जिनका अस्पताल में इलाज चल रहा है। ये खबर मोंगा से है जहां पर दो पक्षों में आपसी विवाद को लेकर पहले झगड़ा हुआ, फिर दोनों पक्ष में हाथापाई हुई और इसके बाद में एक पक्ष ने दूसरे पक्ष को गोली मार दी जिसमें दो लोग गंभीर रूप से घायल हैं और दो लोगों की मौके पर ही मौत हो गई है। ये खबर मोगा से है जहां पर दो लोगों की मौत हो चुकी है, दो गंभीर रूप से घायल हैं जिनका अस्पताल में इलाज चल रहा है और पुलिस पूरे मामले की जांच में जुट गई है। ये खबर मोगा से है। आपको बता दें कि आपसी विवाद में दो पक्षों में पहले लड़ाई झगड़ा हुआ, लड़ाई झगड़ा इतना ज्यादा बढ़ गया कि गोली मार दी। आपको बता दें कि गोली लगने से दो लोगों की मौत हो गई है, दो लोग गंभीर रूप से घायल हैं और घायलों का इलाज अस्पताल में चल रहा, पुलिस पूरे मामले की जांच कर रही है कि आखिर क्या पूरा विवाद था और जो लोग गंभीर हैं उनका बयान लिया जाएगा और बयान लेने के बाद ही बताया जा सकता है कि आखिर क्या कुछ मामला है। पंजाब का विधानसभा का सत्र शुरू हो चुका है, चलते हैं लाइव। 2008 तो 2011 तक केंद्रीय युवा मामले अते खेड मंत्री अते साल 2011 विच केंद्रीय अंकड़ा अते प्रोग्राम लागू करने संबंधी मंत्री वजों भी सेवावां निभाईयां गईयां। उन्हां दीयां वडमुल्लियां सेवावां दे मद्देनजर उन्हां नूं साल 2000 विच पद्म विभूषण नाल सन्मानित कीता गया। वो साल 1996 तो 2001 तक भारत के मुख चोण कमिश्नर भी रहे। उन्होंने साल 1958 तो 1993 तक भारतीय प्रशासनिक सेवा विच रहिंदिआं वख वख अहुदिआं ते सेवावां निभाईआं। उन्होंने निशान ए खालसा नाल सन्मानित किया गया। सरदार बीर दविंदर सिंह साबका डिप्टी स्पीकर पंजाब विधानसभा भी सानू मिति 20 जून 2023 नूं सदीवी विछोड़ा दे गए हन। उन्हां दा जन्म 1 मार्च 1949 नूं पटियाला विखे होया सी। उह साल 1980 अते 2002 विच पंजाब विधानसभा दे मैंबर चुने गए।
उन्हां वल्लों साल 2003 विच पंजाब विधानसभा दे डिप्टी स्पीकर वजों भी सेवावां निभाईआं गईआं। ओह पंजाब विधानसभा दीआं वख-वख कमेटियां दे चेयरमैन भी रहे, ओह कांग्रेस लैजिस्लेटिव पार्टी दे चीफ विप भी रहे, ओह आल इंडिया सिख स्टूडेंट फैडरेशन दे प्रधान भी रहे। इस तों इलावा ओह ब्लाक समिति बसी पठाणा दे चेयरमैन अते पंजाब प्रदेश कांग्रेस कमेटी दे जनरल सकत्तर भी रहे। सरदार गुरविंदर सिंह अटवाल साबका संसदीय सकत्तर भी सानू मिट्टी 25 जुलाई 2023 नू सदीवी विछोड़ा दे गए हन। उन्हां दा जन्म मिट्टी 2 फरवरी 1951 नू फलौर जिला जलंधर विखे होया। उह साल 1992 अते 2002 विच पंजाब विधानसभा दे मैंबर चुने गए। उह लोक निर्माण विभाग, उद्योग विभाग, संसदीय मामले विभाग अते सहकारिता विभाग दे संसदीय सकत्तर रहे। इस तों इलावा उन्हां वल्लों पंजाब विधानसभा दीआं वख-वख कमेटियां दे चेयरमैन अते मैंबर वजों भी सेवावां निभाईआं गईआं। उह पंजाब मंडी बोर्ड दे चेयरमैन अते पंजाब प्रदेश कांग्रेस कमेटी दे जनरल सकत्तर भी रहे। श्री राम किशन कटारिया साबका विधायक भी सानू मिट्टी 7 अक्तूबर 2023 नू सदीवी विछोड़ा दे गए हन। उन्हां दा जन्म मिट्टी 1 जनवरी 1940 नू पिंड फौजेवाल जिला हुशियारपुर विखे होया। ਉਹ ਸਾਲ 1977 ਅਤੇ 1985 ਵਿੱਚ ਪੰਜਾਬ ਵਿਧਾਨਸਭਾ ਦੇ ਮੈਂਬਰ ਚੁਣੇ ਗਏ ਅਤੇ ਪੰਜਾਬ ਵਿਧਾਨਸਭਾ ਦੀ ਅਨੁਸੂਚਿਤ ਜਾਤੀਆਂ, ਅਨੁਸੂਚਿਤ ਕਬੀਲਿਆਂ ਅਤੇ ਪਛੜੀਆਂ ਸ਼੍ਰੇਣੀਆਂ ਦੀ ਭਲਾਈ ਲਈ ਕਮੇਟੀ ਅਤੇ ਅਨੁਮਾਨ ਕਮੇਟੀ ਦੇ ਮੈਂਬਰ ਵਜੋਂ ਵੀ ਸੇਵਾਵਾਂ ਨਿਭਾਈਆਂ। ਉਹ ਪੰਜਾਬ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਜਨਤਾ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਉਪ ਪ੍ਰਧਾਨ ਅਤੇ ਜਨਰਲ ਸਕੱਤਰ ਵੀ ਰਹੇ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਭਾਰਤੀ ਹਵਾਈ ਸੇਵਾ ਵਿੱਚ ਵੀ 15 ਸਾਲ ਸੇਵਾਵਾਂ ਨਿਭਾਈਆਂ। ਸ੍ਰੀ ਜੈਮਲ ਸਿੰਘ, ਸ੍ਰੀ ਅਨੋਖ ਸਿੰਘ ਅਤੇ ਸ੍ਰੀ ਦਰਸ਼ਨ ਸਿੰਘ ਜੀ ਸਾਰੇ ਸੁਤੰਤਰਤਾ ਸੰਗਰਾਮੀ ਵੀ ਸਾਨੂੰ ਵਿਛੋੜਾ ਦੇ ਗਏ ਹਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਆਪਣੀ ਲਗਨ, ਮਿਹਨਤ ਅਤੇ ਕੁਰਬਾਨੀ ਸਦਕਾ ਦੇਸ਼ ਨੂੰ, ਹਿੰਦੁਸਤਾਨ ਨੂੰ ਆਜ਼ਾਦ ਕਰਵਾਉਣ ਵਿਚ ਆਪਣਾ ਵਡਮੁੱਲਾ ਯੋਗਦਾਨ ਪਾਇਆ, ਜਿਸ ਦਾ ਨਤੀਜਾ ਹੈ ਕਿ ਅੱਜ ਅਸੀਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਵਰਗੇ ਹੋਰ ਸੁਤੰਤਰਤਾ ਸੰਗਰਾਮੀਆਂ ਦੀਆਂ ਕੁਰਬਾਨੀਆਂ ਸਦਕਾ ਮਿਲੀ ਆਜ਼ਾਦੀ ਦਾ ਨਿੱਘ ਮਾਣ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਕਦੇ ਵੀ ਭੁਲਾਇਆ ਨਹੀਂ ਜਾ ਸਕਦਾ। ਸ਼ਹੀਦ ਕਰਨਲ ਮਨਪ੍ਰੀਤ ਸਿੰਘ ਵੀ ਸਾਨੂੰ ਮਿਤੀ 13 ਸਤੰਬਰ 2023 ਨੂੰ ਸਦੀਵੀ ਵਿਛੋੜਾ ਦੇ ਗਏ ਹਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਜਨਮ ਮਿਤੀ 11 ਮਾਰਚ 1982 ਨੂੰ ਪਿੰਡ ਭੜੌਂਦੀਆਂ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ SAS ਨਗਰ ਵਿਖੇ ਹੋਇਆ ਸੀ। ਉਹ ਜੰਮੂ ਕਸ਼ਮੀਰ ਦੇ ਅਨੰਤਨਾਗ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਅਨੰਤਨਾਗ ਵਿਖੇ ਅੱਤਵਾਦੀਆਂ ਨਾਲ ਮੁਕਾਬਲੇ ਦੌਰਾਨ ਸ਼ਹੀਦ ਹੋ ਗਏ ਸਨ। ਸ਼ਹੀਦ ਸਿਪਾਹੀ ਪ੍ਰਦੀਪ ਸਿੰਘ ਵੀ ਸਾਨੂੰ ਮਿਤੀ 19 ਸਤੰਬਰ 2023 ਨੂੰ ਸਦੀਵੀ ਵਿਛੋੜਾ ਦੇ ਗਏ ਹਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਜਨਮ ਮਿਤੀ 20 ਅਪ੍ਰੈਲ 1996 ਨੂੰ ਪਿੰਡ ਬੱਲਮਗੜ੍ਹ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਪਟਿਆਲਾ ਵਿਖੇ ਹੋਇਆ ਸੀ। ਉਹ ਜੰਮੂ ਕਸ਼ਮੀਰ ਦੇ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਅਨੰਤਨਾਗ ਵਿਖੇ ਅੱਤਵਾਦੀਆਂ ਨਾਲ ਮੁਕਾਬਲੇ ਦੌਰਾਨ ਸ਼ਹੀਦ ਹੋ ਗਏ ਸਨ। ਸ਼ਹੀਦ आप पंजाब विधानसभा को सुन रहे थे, जहां पर सत्र का शुरुआत हो चुकी है। 2 दिवसीय सत्र है। आपको बता दें कि 2 दिवसीय सत्र में कई मुद्दों को लेकर जो बात है वो की गई है, और साथ ही SYL का मुद्दा जो है उस पर भी बात होने की आशंका भी जताई जा रही है। अगर ये मुद्दा होता है तो कई जो और भी बहस जो है वो भी छिड़ सकती है। साथ ही अगर बात की जाए उपराज्यपाल की, तो उपराज्यपाल ने पहले ये सत्र बुलाने के लिए मनाही की गई थी, और इसके बाद में ये सत्र जो है वो शुरुआत हुई, जिसके बाद में हंगामे के आसार भी बने हुए हैं। अब लेकर चलते हैं आपको लुधियाना, जहां पर सीएम भगवंत मान प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे हैं। क्या कुछ कह रहे हैं सुनिए आप। और आगे आने वाले दिनों में और बड़े बड़े प्लांट आप लेके आइए, गवर्नमेंट की तरफ से कोई दिक्कत नहीं। आप एक प्लांट की परमिशन मांगोगे, 2 प्लांट की देंगे, 3 की देंगे, 3-4 यूनिट की देंगे, क्योंकि आप लोग टैक्स देते हो, हमारा रेवेन्यू बढ़ता है, लोगों को काम मिलता है, हम उसी रेवेन्यू से लोगों को फैसिलिटीज देते हैं, CSR देते हो। सो इंडस्ट्री जो है उसके लिए मैं कहूंगा कि अगर किसान अन्नदाता है तो जो इंडस्ट्रियलिस्ट है वो भी अन्नदाता है, क्योंकि वो पता भी तो साथ में है, उसी कर से, उसी आय से हम स्टेट चलाते हैं। तो आज इतने बड़े बड़े अधिकारियों का खुद यहां पर चल के आना, और इस कोहाड़ा के आसपास के गांव, इनको यहां पर अगले साल तक, देखो कितना फास्ट हुआ काम, 1 साल में भूमि पूजन तक आ गए, अगले साल प्लांट चल जाएगा, क्योंकि
परमिशन में या कोई सीएलयू कोई ये वो सारे चक्कर ही खत्म करते पाजी। इन्हों ने इंडस्ट्री लानी है, आपां नूं काम चाहिए, सरकार नूं रेवेन्यू चाहिए, तिन्ने काम हो रहे ने, क्यों आपां टंगा फसाई जांदे ने, आ नहीं कीता तू, आ नहीं कीता तू, इहनूं दे मेरा हिस्सा किन्ना, फलाने का हिस्सा किन्ना। इतना मैं बताना चाहता हूं, ना तो मेरा किसी ट्रांसपोर्ट में हिस्सा है, ना मेरा किसी रेत की खनन में हिस्सा है, और ना ही मेरा किसी ढाबे या होटल। लालच बुटन में इतना ही, नमस्कार।